हे गाइस, मेरा नाम है अक्षन। वेलकम बैक टू व्हाट्स माय रिव्यू। सो आज के इस वीडियो में गड़त अंधार नाम की मराठी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपने किसी महल में या फिर हॉन्टेड हाउस में रहने वाले भूतों की कहानियां तो कई बार सुनी होगी और पिक्चरें भी देखी होगी, बट रिसेंटली देखी मैंने गड़त अंधार नाम की एक मराठी फिल्म जिसमें जो भूत था वो पानी में था, मतलब बीच समुंदर में ये भूत बसा हुआ था। एंड इसलिए मुझे इस फिल्म की स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं तो इनोवेटिव जरूर लगी। तो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले पार्शियली अच्छे, मतलब कई जगहों पर हॉरर एलिमेंट्स इतने अच्छे कि आप देख के बोलोगे वाह क्या पिक्चर बनाई। बट इस फिल्म में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी जिसे देख के ऐसे लगेगा कि हमने इस टाइप की मूवी ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वो बिट्स एंड पार्ट्स में आपको सरप्राइज जरूर करेगा। स्पेशली इस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है नेहा महाजन, उनके सारे हॉरर सीक्वेंसेस की आप जरूर तारीफ करोगे। बट 10% ऑफ द फिल्म में थोड़े बहुत हॉरर सीक्वेंसेस है जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आर्टिफिशियल नजर आ रहे थे। इस फिल्म में गिन चुनकर अराउंड 8 से 9 कैरेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा उभर के आई नेहा महाजन। उनका कैरेक्टर और उनकी एक्टिंग टेरिफिक थी। सो जब जब इस फिल्म में नेहा महाजन पोजेस हुई है उस वक्त उनकी एक्टिंग स्किल्स देखने जैसे है। आता मराठीत म्हणता 2023 ची सुरुवात खरच जोरदार झाली आहे। वाळवी मध्ये शिवानी सुर्वे आणि अनिता दाते, सरलाई कोटी मध्ये ईशा केसकर आणि आता गडद अंधार नावाच्या सिनेमामध्ये नेहा महाजन। मला तसं वाटतं की या वर्षी मेल एक्ट्रेसच्या तुलनेत फिमेल एक्ट्रेसेस लाइमलाइट मध्ये आलेत, कारण त्यांची परफॉर्मन्स तितकी चांगली होती। नेहा महाजन इस फिल्म की होल एंड सोल रीजन है जिसके कारण मैंने ये फिल्म एंड तक देखी। अदरवाइज इस फिल्म में बाकी जितने भी एक्टर्स है उनकी परफॉर्मेंस मुझे स्ट्रिक्टली फाइन लगी। अब डायरेक्शन, कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी यानी पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट के मामले में इस फिल्म को लेकर मेरा ओपिनियन 50-50 है। अब 50-50 क्योंकि फिल्म के स्टार्टिंग में इसकी प्रोडक्शन वैल्यू लो लगने लगती है, बट जैसे फिल्म में आगे अंडर वाटर सीक्वेंसेस आने लगते फिल्म विजुअली अपीलिंग लगने लगती है। सो सारे अंडर वाटर सीक्वेंसेस देखते वक्त ये फिल्म विजुअली अपग्रेडेड लगती है। प्लस नेहा महाजन के जितने भी हॉरर वाले शॉट्स है वो इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फिल्म के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में मुझे सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा लगा। प्लस क्लाइमेक्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसके कारण ये फिल्म शॉकिंग नोट पर एंड होती है। सो गड़त अंधार नाम की मराठी फिल्म बहुत ही लिमिटेड बजट पर बनी है जिसके कारण आपको इसकी प्रोडक्शन वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी इधर उधर जरूर लगेगी। अगर मैं बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों को भी साइड में रखूं देन एटलीस्ट इस फिल्म का स्केल विक्टोरिया की तरह होना चाहिए था। अगर विक्टोरिया की तरह भी ये फिल्म ग्रैंड स्केल पर बनती देन इस फिल्म को देखने में और भी डबल ट्रिपल मजा आता। बट यार इस पॉइंट पर मैं मेकर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उनको जितना बजट दिया गया था उसमें उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। यार यही तो प्रॉब्लम है कि मराठी फिल्मों के पास बजट नहीं होता, अदरवाइज अच्छा क्वालिटी वाले कंटेंट तो वो भी बना रहे हैं। तो आई डोंट नो ये फिल्म हिंदी ऑडियंस को अपील करेगी या फिर नहीं, बट एटलीस्ट मराठी ऑडियंस ने इस फिल्म को एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि ये मराठी इंडस्ट्री की ऐसी पहली फिल्म है जो अंडर वाटर शूट हुई है। एंड इसलिए मैं इस फिल्म की टेक्निकल टीम को तो जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सो जैसे कि मैंने कहा था कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसके कारण ये फिल्म एक शॉकिंग नोट पर एंड होती है। एंड इसलिए मैं इस फिल्म में आगे क्या होने वाला है इसके पार्ट टू में देखने के लिए एक्साइटेड। अगर आप हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों को फॉलो करते हो तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं बनी। तो अगर आप में से किसी ने मराठी फिल्म देखी है तो आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मीनवाइल वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब जाते जाते मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। अब आपको तो पता है कि मैं मराठी फिल्मों के रिव्यू करता हूं बट हिंदी में, ताकि हमारे नॉन मराठी ऑडियंस को भी पता चले हमारे पास किस तरह के कॉन्टेंट क्रिएट होते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताओ, स्पेशली अगर आपके कोई नॉन मराठी फ्रेंड्स हो देन आप जरूर उनको मेरा चैनल सजेस्ट करना, क्योंकि यह साउथ फिल्म इंडस्ट्री पैन इंडिया लेवल पर पहुंच चुकी है एंड यही सपना मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी देख रहा हूं। सो मराठी फिल्मों को अगर पैन इंडिया लेवल पर पहुंचाना होगा तो मराठी कंटेंट को महाराष्ट्र से निकल के बाकी स्टेट्स में भी जाना होगा। सो प्लीज सपोर्ट करो मुझे भी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री को भी। थैंक यू।